तो हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 22 अक्टूबर संडे और दुर्गाष्टमी, मतलब आज बड़ा पूजा है दुर्गा माँ का। तो गाइस आज इस ब्लॉग में हम लोग घूमने भी जाएंगे दुर्गा पूजा, लेकिन वो आप लोग को पार्ट टू में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन में भी इतना स्टोरेज है नहीं। मेरा स्टोरेज अभी 86 पूरा भरा हुआ है, तो कम से कम 6 वीडियो बनाएंगे ना, 5 मिनट वाला तो भर जाएगा पूरा का पूरा। तो वो स्टोरेज मेरा कम है, इसलिए हम पार्ट टू वाइज छोड़ेंगे ब्लॉग को। तो अभी जो ब्लॉग होगा वो हम लोग या आज अपने शिव मंदिर जा सकते हैं, वहाँ भी दुर्गा पूजा होता है, तो वहाँ का भी कुछ अगर हम जाएंगे तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे दुर्गा पूजा का, नहीं तो नहीं बनाएंगे ऐसा कुछ है। तो गाइस आज सुबह सुबह नहा लिया है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही पानी आ गया था, तो आज 7:30 बजे से पानी आया हुआ था, तो सुबह सुबह ही नहा लिया। और अभी टाइम हो गया है 8:30, और अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्योंकि अभी नाश्ता कुछ बना नहीं है। मम्मी भी पूजा का तैयारी कर रही है, पता नहीं मम्मी मंदिर जाएगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी के जो पापा थे वो इसी साल मतलब डेट किए थे, तो पता नहीं जाएगी कि नहीं मम्मी पूजा करने। तो मम्मी शायद घर में भी पूजा कर सकती है या शिव मंदिर भी पूजा करने जा सकती है, इतना हम पूछे ही नहीं है मम्मी को। बाकी हाँ, आज उपवास रहना पड़ेगा मम्मी को भी, आज सब तो उपवास ही रहते हैं आज का दिन। और जितना भी दुर्गा पूजा होता रहेगा, जो जो दुर्गा पूजा करते रहेगा इतना दिन लोग पूरा फल वल खाते हैं, बस इतना ही। और आज का दिन पूरा उपवास रहता है शायद उनका, अब जो करते हैं उन्हीं को पता होगा। तो अभी बहुत भूख लगा हुआ है, तो अभी जब चाउमीन बनेगा तो चाउमीन खाएंगे, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी हम रोहन लोग घर में हॉल पे बिल्कुल अकेले, नीचे में सब लोग हैं, नीचे में रानी दीदी लोग, रानी दीदी आई है, रानी दीदी जीजा आए हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए। तो आज रोहन लोग जाएंगे घूमने के लिए दुर्गा पूजा, और गाड़ी वो लोग बुक किया हुआ है, तो वो लोग जाएंगे बाहर। और गाइस हम लोग घूमेंगे दुर्गा पूजा अपने ही आसपास में, मतलब हम जो घूमेंगे हम अपने आसपास आज ही घूमेंगे दुर्गा पूजा। और मेरे साथ होंगे अभिषेक के बड़े पिताजी, तो मेरे साथ रहेंगे ही, और हो सकता है मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी होंगे। तो हम लोग हर साल ऐसे ही घूमते थे, पहले भी 2 साल हम लोग ऐसे ही घूमे थे सब लोग दोस्त लोग के साथ। हम लोग पूरा अपना सरजमदा पहले घूमते थे, उसके बाद फिर उधर पहाड़ीगुड़ा तरफ जाते थे, जितना पंडाल आप लोग को दिखाए थे वीडियो में हम लोग उतना पंडाल घूमते थे सब लोग दोस्त लोग मिलकर पैदल। तो आज भी शायद हो सकता है ऐसे ही जाए, या फिर हम और अभिषेक के बड़े पिताजी दोनों जन मिल के जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। तो भाई अभी ठंडा आ गया है, बहुत जोर ठंडा लग रहा है। सुबह सुबह आज उठे तो थोड़ा बाहर गए थे परसुड़ी तरफ, तो बहुत बेहतर ठंडा लग रहा था। बाइक में गए थे तो बाइक चला रहे थे, तो ठंडा भी लग रहा है, वैसे ही ठंडा आ गया है। पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस टाइम गाइस सुबह सुबह ही 6 बजे नहा लेते थे, ठंडा में डेली नहाते थे, पर अभी नहाने का दिल नहीं करता, अभी मन नहीं करता नहाने का, इतना ठंडा। अभी तो अक्टूबर है, नवंबर में और ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो अब तो और मन नहीं करेगा नहाने का। हम ऐसे थे नहीं बने, हम डेली नहाते थे, अभी मन नहीं कर रहा नहाने का, देखते हैं। बाकी ठंडा दिन में धूप भी उतना ही निकलता है, इतना ठंडा लगता है। जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे ना, तो टीचर लोग बोलते थे थोड़ा धूप में भी बैठ जाओ, किसी किसी को ठंडा लग जाता था ना, तो टीचर बोलते थे थोड़ा धूप में बैठ जाओ तो अच्छा भी लगेगा। जब हम लोग का टिफिन टाइम होता था तो हम लोग वही करते थे, सब लोग टीचर सबको बोलेगी, सब लोग क्लास का जितना भी है सब लोग जाके थोड़ा उधर हल्का मैदान जैसा था वहाँ पर बैठ जाओ धूप में, तो अच्छा लगेगा ठंडा का दिन में। और भाई रोहन लोग तो पूरा गाड़ी किया हुआ है, आज वो लोग पूरा घूमने जाएगा सब पंडाल, हम लोग का जमशेदपुर का जितना भी हम लोग का जमशेदपुर का पंडाल है सब लोग सब पंडाल में लोग घूमेगा, क्योंकि गाड़ी है वो लोग का, तो रात से पूरा सुबह वाले का घूमना है। तो गाइस क्या है कि हमको दुर्गा पूजा मतलब घूमने इतना अच्छा भी नहीं लगता है रात से सुबह, तो इसीलिए हम गए नहीं वो लोग के साथ में, तो हम भी रात में निकल जाते हैं, वो लोग बोलते तो वो लोग ऐसे भी ले जाता है, और हम सोचे हम मतलब हमको मन नहीं करता है दूर दूर जाने का घूमने का, उतना पैसा भी नहीं होता है, जाते हैं इतना बड़ा बड़ा पंडाल में
और पैसा नहीं होता तो अच्छा भी नहीं लगता हमको, वो भी एक तो कारण होता है। और कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता घूमने में, ऐसे इसलिए हम जाते नहीं हैं घूमने। आसपास में जो घूमते हैं, नहीं तो नहीं जाते। ये मेरा हर बार का है, एक बार का नहीं, हर बार का। तो गाइस मिलते हैं थोड़ा देरी बाद, मतलब मिलते हैं गाइस घर पे, नाश्ता करना है। गाइस पीयू तैयार हुई है पूजा में जाने के लिए। पीयू और देखो उसके पापा और मेरे भाभी लोग सब तैयार हुए हैं शिव मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए, दुर्गा पूजा। तो बारी घोड़ा तो कहीं से मेरे भाभी लोग अभी जा रही है जो जो बेड़ा पूजा करने के लिए। शिव मंदिर नहीं जा रहा हम लोग, सरजमदा में नहीं जा रहा, बल्कि बारी घोड़ा तरफ जा रहा है पूजा करने के लिए। क्या भाभी हो तो मेरे मम्मी और मेरी मामी दोनों जन बात कर रही हैं। मम्मी तो पूजा करेगी नहीं घर में की, और अभी हम जा रहे हैं मैं बड़े पापा लोग के घर पे, थोड़ा कुछ काम से। मम्मी पूजा नहीं कर रही, हम बोले थे इसलिए मम्मी घर में ही है। तो गाइस मेरे भाभी लोग गई है पूजा करने के लिए बाड़ीगढ़ा तरफ, और अभी मेरे मम्मी जाएगी गोलपाड़ी मेरे पापा के साथ, और मेरे भैया बाइक में, तीनों जन जाएंगे गोलपाड़ी घूमने के लिए। हम भी सोच रहे कि हम शिव मंदिर होके आ जाए, शिव मंदिर में पूजा देख के आ रहे हैं, इसलिए हम भी तैयार होकर जा रहे हैं शिव मंदिर। वहाँ पे कुछ वीडियो वीडियो बनाएंगे और पूजा भी देख लेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। कैमरा शिव मंदिर से घर तो आ गए हैं, और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था पुष्पांजलि देने के लिए, लोग पूरा भीड़ लगा के रखा हुआ था वहाँ पे। और पुष्पांजलि देने में सच में पूरा लाइन लगा के लोग पुष्पांजलि दे रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था वहाँ पे। और हम लोग का सरजंदा में एक ही जगह होता है पूजा, इसीलिए भी बहुत ज्यादा भीड़ था। और गैस क्योंकि हम लोग सरजंदा से बाड़ीगोड़ा थोड़ा दूर है, तो बहुत लोग बाड़ीगोड़ा भी पूजा करने जाते हैं, और सरजंदा में है तो सरजंदा का ही पूजा करेंगे, मतलब सरजंदा में ही पूजा करेंगे, तो इसलिए यहाँ भी लोग पूजा करते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा देर पहले ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा चालू कर रहे थे, तो कैमरा हैंग में चालू ही नहीं हो रहा था, फ़ोन तो पूरा हैंग कर रहा था, उसके चक्कर में कैमरा भी चालू ही नहीं हो रहा था। हम गए थे पीओ के लिए फ्रूटी लाने के लिए, तो लेकिन कैमरा ही नहीं चालू हो रहा था। तो फ्रूटी पीओ का फ्रूटी चाहिए, सर्दी हो जाएगा ठंडा ठंडा। एक पहले पी ली है, एक पी ली। क्या ऐसे क्यों यार? तो उसको पीने ही नहीं आता। तो एक को कैसे पी? उसको मम्मी पी रही थी। उसको मम्मी एक को पी दी, उसको डब्बा पकड़ा दी थी।
डब्बा ही खा लिया। वही तो हम सोचे कि पीयू को छुट्टी पीने कैसे आ गया है ऑफिस से, इसका एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल अगले महीना होगा तो नवंबर को। अभी खाना वाना खाएंगे, एक बज गया पूरा पूरी एक बज रहा। तो गाइस अभी अभी हम खाना खा लिया है और देखो दुर्गा पूजा जाने के लिए हम जूता वहाँ पर धो के सुखाए थे जो अभी भी सूखा नहीं है। हम भूले गए थे कि हमको जूता भी धोना है, तो सुबह सुबह हमको याद आया, सुबह सुबह फिर धो के वहाँ पर सुखा दिया है। पता नहीं सूखेगा कि नहीं, भींगा ही है अभी भी। हम थोड़ी देर पहले वहाँ पर रखे थे, हम छत के ऊपर में दिए हुए थे तो छत के ऊपर में ना छाँव हो गया था, फिर हम देखे तो देख रखी पूरा भींगा है जूता, फिर हम वहाँ ला के सुखा दिए, खिड़की में वहाँ धूप दे रहा तो वहाँ सुखा दिए हैं, देखते हैं सूखता है कि नहीं सूखता है। और आज दुर्गा पूजा घूमने जाना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज। और हम लोग आस पास में दुर्गा पूजा घूमना है भाई मेरे को। और गाइस मम्मी लोग घूमने गए थे दुर्गा पूजा वही 12 बजे से, और अभी 1 बज चुका है लेकिन मम्मी लोग आई नहीं है अभी तक भैया के साथ। शायद गुलपाड़ी का जगह वाले और कोई भी जगह घूम रहे होंगे, उस गुलपाड़ी के सामने फिर बागबेड़ा है तो बागबेड़ा का भी पंडाल उधर घूम रहे होंगे, ऐसे ही होगा। क्या देव हाँ। तो आज के इस ब्लॉग को ये जगह एंड कर देते हैं और मिलते हैं आप लोग से पार्ट 2 ब्लॉग में। और पार्ट 2 ब्लॉग में हम लोग जाएंगे दुर्गा पूजा घूमने। दुर्गा पूजा घूमने के लिए अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, बात नहीं हुआ है अभी तक कि कौन कौन जाएगा हम लोग के साथ साथ। मेरा और अभिषेक के बड़े पापा का जाना तो फिक्स है, और भी हम बोल रहे थे कि मेरे दोस्त लोग भी जाएंगे कि नहीं वो नहीं पता, देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी हम भी सो जाते हैं और फिर रात भर पूरा घूमेंगे। अभी सोएंगे और पूरा रात भर पूरा घूमना है, आसपास में ही पूरा रात कर देना है घूम घूम के। रोहन भी नीचे सोया हुआ है, उसको भी घूमने जाना है ना आज, इसलिए सोया हुआ है। और हम पार्ट 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ तो गया ही है साथ साथ हैंग भी कर रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी हम देख रहे हैं कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन पूरा हैंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैमरा भी चालू करें तो कैमरा भी ठीक से चालू नहीं हो रहा है, उसमें भी हैंग कर रहा है। और ऊपर से जब हम फ्री फायर खेल रहे थे तब फ्री फायर भी बहुत ज़्यादा है, पूरा लेग कर रहा है फ्री फायर, पूरा फ़ोन जैसे खेल रहे ना फ्री फायर तो अटक जा रहा है, और अटकने के बाद स्विच ऑफ करके चालू करने से ठीक हो रहा है। और ऐसे पावर बटन दबा रहे तो बंद भी नहीं हो रहा है स्क्रीन, ऐसा मेरा फ़ोन का पूरा हालत हो गया है अभी, जो कि बहुत ख़राब हालत चल रहा है। तो अभी फ्री फायर डिलीट कर देंगे और फ्री फायर नहीं खेल सकते, बीच में देखेंगे डाउनलोड करके ठीक होता है कि नहीं। अभी तो मेरे को फ्री फायर डिलीट करना ही पड़ेगा। और आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है तो आज बहुत ज़्यादा उसमें मैच में भी मज़ा आने वाला है। न्यूजीलैंड बहुत ख़तरनाक टीम है और इंडिया भी बहुत ख़तरनाक टीम है, दोनों ही टक्कर का टीम है। तो न्यूजीलैंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और इतना ज़्यादा इंडिया भी पसंद है, हम यही दोनों का मैच बहुत देखते हैं क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम यही है। मैंने देखा है कि इन दोनों जैसा टीम और नहीं है, ये लोग जैसे खेलते ना गाइस ऐसे और कोई टीम नहीं खेलता है, बहुत भयानक खेलते हैं लोग। तो न्यूजीलैंड हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद इंडिया, फर्स्ट न्यूजीलैंड सेकेंड इंडिया, बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय।